सूरत मुंबई नेशनल हाईवे पर आवेला चारोटी जंक्शन पासेना कासा गामनी सीमा गमकवार अकस्मात सर्जायो हतो। बारडोली थी लंडन जवा माटे निकळेला मूळ बारडोलीना बे एनआरआई ने एरपोर्ट पर मुकवा जई रहेली स्कोडा कार ने अगम्य संजोगोमां गंभीर अकस्मात नर्दा कारमां सवार चार ना घटनास्थळे कमखमाती भर्या मौत निपजा हता। बारडोलीमां गमगीनी छवाई गई हती। समाचारने पगले बारडोलीना वारवाड विस्तारना सगा संबंधीओ सहित मुस्लिम समाजना टोळा उमटी पड्या हता। सूरत मुंबई नेशनल हाईवे उपरनी घटना छे के जेमां अकस्मात थयो अने अकस्मातमां चार व्यक्तिओनुं मृत्यु थयुं। सूरत मुंबई नेशनल हाईवे उपर आ घटना घटी हती। कासा गामनी सीमा गमखवार अकस्मात सर्जायो हतो। एरपोर्ट गाड़ी मुकवा जई रही हती ते दरमियान आ घटना थई हती। गुजरात थी लंडन परत जता एनआरआई ने अकस्मात नड्यो हतो। कारमां सवार चार ना घटना स्थळे ज कमकमाती भर्या मौत थया हता। अने आ घटनाना समाचार ज्यारे आव्या त्यारे मुस्लिम समुदायना लोको उमटी पड्या हता। सूरत मुंबई नेशनल हाईवे पर जे प्रकारे अकस्मात थयो अति गंभीर अकस्मात हतो, जेमां चार व्यक्तिओए पोताना जीवथी हाथ धोई बेसवा पड्या। गुजरात थी लंडन जई रहेला परत लंडन जता एनआरआई ने अकस्मात नड्यो हतो। दिलसोजी पाठववा माटे मुस्लिम समुदायना लोको पण त्यां पहोंची गया था। कारमां सवार चारना घटना स्थळे मौत निपजता सूरत मुंबई नेशनल हाईवे उपर आ घटना घटी हती। साढ़ा चार वागे जी नी घटना बनी छे अने अमने साढ़ा पांच पौना छ नी वच्चे जाण थई छे अने गामथी बे गाड़ी गई छे अने इस्माइल भाई जे इनी अंदर हता अने एक इब्राहिम भाई दाऊद आशियाबेन कलेक्टर अने मोहम्मद भाई हफेजी एम चार जणाना मृत्यु थया छे। खूब ज दुखद घटना छे। इस्माइल भाई खूब ज सक्रिय कार्यकर छे। दरेक संस्थाओ साथे स्कूल हॉस्पिटल्स अने बीजी जेटली भी प्रवृत्तिओ बारडोली मुस्लिम समाज करे छे ते दरेक प्रवृत्तिओ साथे इस्माइल भाई जोड़ायेला छे अने खूब खूब ज दुखद घटना छे अने पूरो समाज एक दुखमां गरकाव छे। अमारा त्यां पण एनआरआई आव्या हता अने बे एनआरआई रातना 11 वागे एरपोर्ट पर जवाना अहींथी रवाना थया हता। तो ते लोको 11 वागे घरेथी निकळ्या हता अने पालघर नजीक महाराष्ट्रनी बॉर्डर पासे એ લોકોનો એક એક્સિડન્ટ મળ્યો હતો। લગભગ અમને અહીંયા એની જાણ લગભગ 4:30-5 વાગ્યાના આસપાસ અમને થઈ હતી અને એવું જાણવા મળેલ કે ચારે ચાર જણ સ્થળ પર જ મૃત્યુ પામેલ છે। આ ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ છે અમારા સમાજ માટે। ભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ દેસાઈ હતા, એ અમારા સમાજના આગેવાન પણ હતા અને સામાજિક સંસ્થા સાથે અને અમારી વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિ હતા। આજે અમારા મુસ્લિમ સમાજ પર એક મોટી આફત આવી પડેલી છે અને આખો સમાજ અમારો એમાં દુઃખમાં ગરકાવ થઈ ગયેલો છે।